हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिएक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की। दोस्तों, तगड़ी रिटर्न बना के दे चुका है वापस फिर से। कोविड टाइम में तो दिया ही था, आपने देखा था कि बेसिकली 1200 रुपये का स्टॉक पहुंच गया था बेसिकली 20,000 पे, और फिर से ऐसा ही कुछ हुआ, 3,000 का शेयर पहुंच गया 15,000 पे। दोस्तों, यहां पे तगड़ी मल्टीवैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक बन चुका है डिएक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। और बेसिकली आपको पता ही है कि कंपनी क्या काम करती है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा सारी चीजें। दोस्तों, डिएक्सन टेक्नोलॉजी का मैंने पहले भी आपको बता चुका था, इसके पहले वाले जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने अपडेट में आपको, जब ये 10,000 पे पहुंच चुका था तब भी मैंने बताया था कि 15,000 पे इसका शेयर प्राइस पहुंचेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 3,000 पे था तो भी मैंने टारगेट दिया था। कंटिन्यू इसका वीडियोस मैं रिलीज किया हूं, अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो आपको सारी चीजें दिख जाएगा, मैं यहां पे दिखा भी दे रहा हूं। दोस्तों, अब देखिएगा, दोस्तों यहां पे मैंने काफी सारे डिएक्सन का 2 ईयर्स पहले, 4 मंथ्स पहले अगर हम देखें हो गया बड़ा ब्रेकआउट, ये सब सारे वीडियोज अगर आप देख जाके देखोगे तो आपको सारे, 2 महीने में लग सकती है बड़ी लॉटरी, Q1 रिजल्ट में होगा बड़ा धमाका। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 20,000 का टारगेट 10 मंथ्स पहले दिया था। हालांकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 मंथ्स पहले हमने 20,000 का टारगेट, 15,000 ऑलरेडी टच कर चुका है। और 10 मंथ पहले अगर आप देखोगे तो उस टाइम पे क्या प्राइस था डिएक्सन टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस डिएक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ, और हर एक में जो हमने टारगेट बोला है एक तरह से वो हिट करता हुआ दिखाई दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी डिएक्सन टेक्नोलॉजी, जब मैं वीडियो 1 साल पहले बनाया था तो 4,000 रुपये पे इसका प्राइस था, यहाँ पे देखने को मिल रहा था हाईएस्ट प्राइस 4,000 रुपया था, और आज के डेट में वही शेयर आपको 15,000 पे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे मार्केट में भारी गिरावट है, लेकिन डिएक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में आपको गिरावट देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस स्टॉक पे इन्वेस्टर है, और यहाँ पे 1 महीने में जहाँ सारी स्टॉक है जो निगेटिव रिटर्न दे रहा है, वहाँ पे ये स्टॉक आप देख सकते हैं 6.67% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। 6 मंथ की अगर हम बात करें तो 6 मंथ में 87% का रिटर्न देखने को मिलता है, 1 साल में 180% का रिटर्न देखने को मिलता है इस स्टॉक के अंदर। तो बहुत तगड़ी यहाँ पे रैली दिखाया डिएक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 1,693 एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी यहाँ पे आपको पता है कि बेसिकली टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग करती है, वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है, स्मार्टफोन्स, LED बल्ब्स की बात करें, बैटेंस डाउन लाइटर्स की बात कर रहे हैं, CCTV जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होता है उससे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके पैनासोनिक, Xiaomi, Samsung, Philips, ये सब सारे इनके बड़े बड़े क्लाइंट हैं दोस्तों। और ये जो इंडिया के अंदर जो इनके प्रोडक्ट जो लोग यूज करते हैं वो इसी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो सोचिए कि पूरे इंडिया के अंदर कितना इनका एक तरह से पूरा बड़ा नेटवर्क एक तरह से कितनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन इनकी मार्जिन बहुत कम होती है, फिर भी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न बना के देता है। और इनका एक तरह से जो काम है इलेक्ट्रॉनिक में, अगर आप देखें गवर्नमेंट में, आपको मैंने एक वीडियोस बनाया था इसके पहले जो बताया था कि गवर्नमेंट ने चाइना से आने वाले जो लैपटॉप है, टीवी है, ये सब सारी चीज़ों को बैन कर दी है कि जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगा उसी का यहाँ पर इंडिया में यूज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इनसे भी इस कंपनी को एक बड़ा मुनाफा देखने को मिला था, उस टाइम पे 10% का अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया था डिएक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर। आप देख सकते हैं डिएक्सन वन ऑफ द लार्जेस्ट LED TV मैन्युफैक्चरर इन इंडिया आपको देखने को मिलता है, जिसका एक तरह से इंडिया के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उसका 35% अकेले ये कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। जो ODM प्लेयर में अगर हम देखें, लाइटिंग लार्जेस्ट कैपेसिटी है इनके पास है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें, मार्केट लीडरशिप है बेसिकली इस कंपनी का। ODM प्लेयर लाइटिंग हैज लार्जेस्ट कैपेसिटी, वेरियस SKUs विद अराउंड द 160 मॉडल्स इन सेमी ऑटोमेटेड कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे कंपनी लार्जेस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखने को मिलता है ऑलरेडी। बिजनेस मॉडल देख सकते हैं OEM ODM में आता है इनका, और इनका रेवेन्यू अगर आप देखें कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से 25%, लाइटिंग प्रोडक्ट से 12%, होम अप्लायंस से 7%, मोबाइल एंड EMS से 60%, सिक्योरिटी सिस्टम से 3% का यहाँ पे देखने को मिलता है। 3 R&D सेंटर इंडिया में देखने को मिलता है, और चाइना में भी है इनका, और आगे चल के इनका कैपेक्स प्लानिंग भी आपको देखने को मिल रहा है।
जो FY25 और FY26 के लिए कंपनी ने ऑलरेडी रख रखा है। हेडक्वार्टर नोएडा है, नोएडा के ब्रांच में आप जाके देख सकते हैं कितनी लग्जरी तरीके से इन्होंने अपना प्लांट लगा रखा है और बहुत अच्छे से काम करती हुई नजर आती है कंपनी। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज कंपनी Q2 क्वार्टर का रिजल्ट्स भी देने वाली है, तो Q2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में कंपनी यहाँ पे किस तरह से परफॉर्मेंस करती है वो भी यहाँ पे मैटर करता है। तो ये स्टॉक पे फोकस जरूर बना के रखेगा आज की डेट के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पे 91,457 करोड़ का यहाँ मार्केट कैप हो गया है। यहाँ पे स्टॉक का पी की अगर हम बात करें तो 211 की है, बुक वैल्यू 283 रुपया आपको देखने को मिल रहा है फिलहाल। कंपनी यहाँ पे डिविडेंड बहुत कम 0.03% देती है, लेकिन कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दोनों चीजें कंपनी का काफी शानदार नजर आता है। ईपीएस की बात करें तो 72.40 रुपया का ईपीएस है, 1683 करोड़ का इनके पास रिजर्व्स है, 489 करोड़ का इनके पास डेप्ट है। तो डेप्ट इक्विटी अगर आप देखो तो 0.29 का और प्रमोटर होल्डिंग 32.9% का है। तो प्रमोटर यहाँ पे होल्डिंग कम जरूर रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर के पास नहीं है, यहाँ पे 75% प्रमोटर के पास होता है, ये 50% से ज्यादा होता है तो अच्छा माना जाता है। प्रमोटर के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे FIs एंड DIs की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों स्टॉक प्राइस इतने ऊपर निकल चुके हैं, इनके 15,000 क्रॉस कर चुके हैं पर शेयर डीएक्सएन टेक्नोलॉजी का। अगर यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा भी खराब आता है तो स्टॉक प्राइस में गिरावट होने की चांसेस भी रहेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इन्वेस्टर में तो यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो क्या कर रहे हैं, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस में FIs हैं जो यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, DIs हैं जो यहाँ पे बिकवाली करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग थोड़ा थोड़ा कम होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्रमोटर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2021 से 2024 तक में यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों कंपनी का बैलेंस शीट ऑलमोस्ट ठीक ठाक कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे कंपनी रिजर्व भी बना रखी है, डेप्ट भी कंपनी के ऊपर कम है और कंपनी CWIP में भी पैसे लगा रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, इनकी टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है जो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो खास करके अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी के जून 2024 में कंपनी का 140 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट रहा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जून 2021 से अब तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है और इसका असर आपको यहाँ पे शेयर प्राइस पे आपको देखने को मिल गया। दोस्तों यहाँ पे 4% ही मार्जिन लेके चलती है कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, लेकिन यहाँ पे कंपनी के जो यहाँ पे सेल्स देखने को मिला 6,580 करोड़ का, उससे यहाँ पे शेयर प्राइस पे इंपैक्ट पड़ा और शेयर प्राइस बहुत तेजी से अपसाइड दिखाया। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके चलें, जिससे कि आने वाला अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, आप अपने एनालिसिस के आधार पे ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज के साथ, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जरूर चलिएगा।